इतने सारे एक्सपेक्टेशंस, इतना कम अनाउंसमेंट और एक तो इतना चौंका देने वाला कि मन कर रहा है कि मार्वल को फॉलो करना ही बंद कर दूं। चले जानते हैं क्या क्या अनाउंसमेंट हुए हैं मार्वल के द्वारा सैन डिएगो कॉमिक कॉन पैनल में। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अ रिव्यू। मार्वल का कॉमिक कॉन पैनल का सबसे चौंका देने वाला अनाउंसमेंट आया आखिर में, जब बताया गया कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंडगेम के डायरेक्टर डुओ एंथनी और जो रूसो वापस आ रहे हैं टू डायरेक्ट एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, जो बहुत अच्छा न्यूज है। दोनों ने इससे पहले भी बड़े एंसेंबल पीसेस हैंडल किए हैं जिनको उन्होंने आइकॉनिक बनाया है, पर ये नहीं था चौंकाने वाला खबर। No way. ये तो ऑलरेडी मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ इस वीडियो में। सीक्रेट वॉर्स को मिला एक नया लोगो, ये भी शॉकिंग नहीं था। असली झटका मिला जब हमें बताया गया कि क्या होने वाला है एवेंजर्स 5 का टाइटल, और वो टाइटल है एवेंजर्स डूम्सडे, यानी कि कैंग की कहानी को कर दिया गया है ऑफिशियली स्क्रैप। कैंग को रिकास्ट क्यों नहीं किया गया, आई मीन उस कहानी को ऐसे क्यों खत्म कर दिया गया, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। पर उससे भी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आने वाला था एज एक और चौंका देने वाला अनाउंसमेंट हुआ उसी के बाद, जब अनाउंस किया गया कि कौन बन रहा है एमसीयू का वेटर वॉन डूम। कई सारे डूम स्टेज पर आए और फिर रूसोस ने बोला कि द ग्रेटेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड बन रहा है डूम। एक ग्रीन कपड़ों के साथ मास्क इंसान सामने आया जिसने अपना मास्क निकाला और वो निकला रॉबर्ट डाउनी जूनियर। डूम को निभा रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आई मीन जिस इंसान ने अपने आप को एज आयरन मैन बनकर कर दिया था फैंस को मुग्ध, अब वो डूम बनेगा। Perfectly not confusing. मुझे ये कास्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरे लिए आरडीजे आयरन मैन है और आयरन मैन आरडीजे, अब इस इंसान से नफरत कैसे होगी? एक नए एक्टर को क्यों नहीं लाया गया इस किरदार को निभाने के लिए? आई मीन मुझे कोई डाउट नहीं कि आरडीजे फोड़ देंगे एज डूम, उनका टैलेंट अनमैचेबल एज एन एक्टर, पर उनका मुंह छप गया है मेरे दिल में एज आयरन मैन एमसीयू में। वैसे एक वक्त आरडीजे ऑलमोस्ट कास्ट हो चुके थे 2005 की फैंटास्टिक फोर के लिए एज डॉक्टर डूम। एंड आई रिमेंबर यू हैड ऑल मेट विद हिम ऑलरेडी फॉर लाइक डॉक्टर डूम और समथिंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट। आई थिंक ऑन आई थिंक ही हैड कम थ्रू ऑन अ प्री लाइक मेबी फैंटास्टिक फोर। तो ये ऑलमोस्ट फुल सर्कल है उनकी जिंदगी में। रूसो ने इस किरदार को एज विक्टर वॉन डूम अनाउंस किया, तो ये कोई टोनी स्टार्क का वेरिएंट नहीं होगा। खैर, दोनों एवेंजर्स मूवी का रिलीज डेट भी अनाउंस हुआ। एज ऑफ नाउ एवेंजर डूम्सडे रिलीज हो रही है मई 2026 को और मई 2027 को रिलीज हो रही है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। और मार्वल के पैनल की शुरुआत हुई मार्वल हेड केविन फाइगी के स्टेज पर आने के साथ, और एंकरिंग करने का मौका मिला डेडपूल के पीटर रॉब डेलेनी को। फिर आते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की कास्ट, एंथनी मैकी, डैनी रेमरेस, टिम ब्लेक नेल्सन, और फाइनली लाया जाता है हैरिसन फोर्ड को, जो निभा रहे थाडेस रॉस एके रेड हल्क का किरदार। हैरिसन ने अपने हल्क मूव्स भी दिखाए स्टेज पर। मैं तो जीन गार्लो एसपीसीडी को भूल ही गया था जिन्होंने रिवील किया कि वो निभाने वाले हैं सर्पेंट सोसाइटी के लीडर साइड विंडर का किरदार। ये आदमी की तरह तो दिखता नहीं है। खैर, साइड विंडर एके सेथ वॉल्कर को हायर किया गया था रॉक्सन कंपनी के द्वारा ताकि वो सर्पेंट क्राउन नाम के आर्टिफैक्ट को रिट्रीव कर पाए। वो सर्पेंट क्राउन से उसे टेलीपोर्टेशन के पावर्स मिल गए। बाद में उसने एक टीम बनाई जिसे उसने नाम दिया सर्पेंट सोसाइटी, जहां सांप से रिलेटेड विलन्स का जमावड़ा इस टीम का पार्ट हुआ। रेसलर सेथ रॉलिंस इस टीम का पार्ट होने वाले थे, रीशूट के बाद अभी है कि नहीं पता नहीं। और रोजा सेलेजार बनने वाली है डायमंड बैक सपोर्ट सोसाइटी की एक और मेंबर जिसका कैप्टन अमेरिका के साथ रिलेशनशिप था। खैर, एक क्लिप भी दिखाएगा जिसे हमारे जैसे ऑडियंस के लिए रिलीज नहीं किया, जिस वो लोग वहां थे सिर्फ उनको ही देखने को मिला। पर कुछ डिस्क्रिप्शन मिला है इस क्लिप का, जहां थाडेस रॉस एज प्रेसिडेंट रॉस एक कन्वेंशन को होस्ट करते हैं जो ट्रेलर में दिख चुका है, जहां वो तैमूर के बारे में बात करते हैं। आज वहां मिला एक नया एलिमेंट जिसे वो कहते हैं एडामेंटियम। उसी के बाद रॉस सैम को नया एवेंजर्स टीम बनाने को कहता है, जिस पर सैम पूछता है कि उसी ने सोकोविया एकॉर्ड बनाई थी जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखा था। फिर रॉस अचानक एवेंजर्स टीम क्यों बनाना चाहता है। फाइनली एक क्लिप में दिखता है रॉस कुछ अथॉरिटीज के द्वारा अरेस्ट होते हुए और वो बन जाता है गुस्से में रेड हल्क, जहां उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है और वो व्हाइट हाउस को बर्बाद कर देता है जो ट्रेलर में दिखा था। उसी के बाद दो और पैनल्स में स्टेज पर थंडरबॉल्स की पूरी कास्ट आई, फ्लोरेंस पू, सेबेस्टियन स्टैन, जूलिया लुई डिफ्रोस, गैरलिन विश्वनाथ, वायट रसल, हैना जॉन केमन और डायरेक्टर जेक शायर, जहां एक क्लिप भी दिखाया गया अगेन नॉट फॉर अस, और हाँ डेविड हार्बर आए एज रेड गार्डियन अपने कॉस्ट्यूम के साथ। पर एक्चुअली क्यों टाइटल में वो अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया गया। क्रिस पुलमन भी थे वहां, जहां उन्होंने ऑलमोस्ट कंफर्म किया कि वो बनने वाले हैं बॉब एके सेंट्री। 1940s प्रोजेक्ट सेंट्री को बनाया गया था रेमिनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिवर, जिसमें स्टीव रॉजर्स को बनाया गया था ताकि नए सुपर सोल्जर्स बनाया जा सके। स्टीव रॉजर्स के खून का इस्तेमाल करके उन्होंने सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की थी, पर काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने टेसरैक का कॉस्मिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया सीरम को एनहांस करने के लिए। एक दिन रॉबर्ट रेनल्ड्स एक मेथ एडिक्ट उस लैब में घुस जाता है, जहां उसने उस सीरम को अपने ऊपर लगा लिया, जिससे उसे पावर्स मिले मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स के, या फिर ये कहे कि सुपरमैन लेवल के पावर्स मिले। सेंट्री अपने मेथ एडिक्शन की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया जैसे बीमारी से भी गुजरता है, और उसका मेन एंटागनिस्ट है उसी के अंदर का इविल पार्ट जिसे कहा जाता है वॉइड। एक क्लिप भी दिखाया गया जहां शायद थंडरबॉल्ट्स का मिशन होगा बॉब यानी कि सेंट्री को निकालना।
एक क्लिप में येलेना अपने पिता रेड गार्डन के कमरे में जाती है जो बिखरा हुआ है। यूएस एजेंट दिखता है जो अब पिता बन गया है और वो सीम एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा है जहां लिखा है उसके बारे में एज ए फॉरेन हीरो। येलेना को बॉब मिलता है जो बंदी बना के रखा गया है इस जेल में। वही यूएस एजेंट घोष टास्क मास्टर येलेना के बीच होती एक फाइट आखिर में दिखाया जाता है बाकी को बर्तन धोते हुए। फैंटास्टिक फोर यानी कि पेड्रो पास्कल एज रीड रिचर्ड्स, वैनेसा कर्बी एज सू स्टॉर्म, जोसेफ क्विन एज जॉनी स्टॉर्म और एवन मॉस बैकरैक एज बेन ग्रिम दिखते हैं पहली बार एक स्टेज में एक साथ। साथ में आते हैं डायरेक्टर मैट शेकमैन। फिल्म का नया टाइटल भी रिवील किया गया जो कि है फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप और फैंटास्टिक कार को स्टेज पर ही लाया गया जिसका एक वर्जन डेडपूल वुल्वरीन में दिख चुका है। एक क्लिप भी दिखाया गया जहां फिर से दिखाया गया कि फिल्म सेट होगी 60s में और एक पैरेलल यूनिवर्स में सेट होगी। रीड रिचर्ड्स कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है उनको सिर्फ धमाका देखना है। पेड्रो एक नर्डी आवाज नर्डी व्यू नहीं नर्डी आवाज में बात करते हैं बच्चों के साथ जो एक इंटरेस्टिंग एक्टिंग चॉइस है। सू और रीड का क्लिप दिखता है बेन ग्रिम और रीड की फोटोज दिए जा रहे हैं फिर डॉक्यूमेंट्री की तरह फुटेज दिखता है जहां चारों अपने स्पेस मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस फिल्म में उनकी ओरिजिन को दिखाया जाएगा इस फुटेज से क्लियर है। वॉन्डर विजन की तरह मैट शेकमैन यहाँ भी टीवी शो वाला फंडा लेके आ रहे हैं। बैचलरेट जैसे टीवी शो की तरह एक लड़की को चूज करना है पति और ऑप्शन में है रीड रिचर्ड्स, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम अपने थिंक फॉर्म में। औरत थिंक को ही चूज करती है। फाइनली दिखता है गैलेटस बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर झांकते हुए और वो काफी बड़ा है। बड़ा इंटरेस्टिंग अलग फील देती है फिल्म जो शायद अब मेरी सबसे एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। यह अच्छा था कि बाल्टी भर के अनाउंसमेंट नहीं किए लिमिटेड रखा गया अनाउंसमेंट को पिछली बार की तरह गलती नहीं की गई है। पर ब्लेड का क्या हुआ बन रही है कि नहीं एमसीयू से हो रहा है कि नहीं से ना हो पाएगा। हालांकि फाइगी ने इंटरव्यूज में कहा था कि ब्लेड पर काम चल रहा है वो बनाना चाहते हैं द बेस्ट ब्लेड पॉसिबल तो होप तो है। रुको जरा सबर करो। आपको कैसी लगी आरडीजेएस डूम वाली खबर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेडपूल वुल्वरीन से रिलेटेड वीडियोस आखिर में हैं चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू। जस्ट इन अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @pronerdyview201 में और pronerddiaryblogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।